बच्चों के आलमी दिन के मौके पर हीमोफीलिया से मुतासर बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स और बच्चों की दिलचस्पियों पर मबनी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। बच्चों में तहफ तकसीम किए गए और मैजिक देखकर बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। मैरीटाइम म्यूजियम में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची की जानिब से बच्चों के आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए मैजिक शो का एहतमाम किया गया। खेलने खाने और पेंडी के मुकाबले हुए, बच्चे खूब महसूस हुए। इस मौके पर बानी वासदर राहिल अहमद ने बताया कि हीमोफीलिया खून बहने की मौरूसी बीमारी है। हर एक लाख नौमौलूद में से 21 बच्चे इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। ये जो मर्ज है हीमोफीलिया, इसकी अवेयरनेस वैसे ही कम है और ये जो बच्चे है हीमोफीलिया के, इनके इलाज मालिया के जो मसाइल है और जो इनकी आवाज़ है वो आज उन तक पहुंचाने के लिए हमने आज के दिन जो इंटरनेशनल हीमोफीलिया इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट हो रहा पूरी दुनिया में, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने बच्चों की भी आवाज़ इस दिन पर रेज करें और उनके जो मामलात हैं ट्रीटमेंट के, जिससे उनको परेशानी है, उनको ट्रीटमेंट दस्तयाब नहीं है पाकिस्तान में। मेहमान खसूसी सिक्योरिटी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर जायद अंसारी और फ्रांस सिक्योरिटी फखर आलम का कहना था, पाकिस्तान में ऐसे मरीजों की तादाद 25,000 के करीब है। इन मरीजों को खुशियां फराहम करना हमारा फर्ज है। आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये इस चीज का नतीजा है कि इत्तेफाक में कितनी बरकत होती है, यूनिटी कितनी अच्छी चीज होती है। मुख्तलिफ टुकड़ों में बैठे हुए थे, आज ये होके ये दिन मना रहे हैं। जहाँ तक के बीमारी का आपको मालूम होना चाहिए, इसका इलाज सिवाय यही है। ये लड़कियों की बीमारी है, ये लड़कों को होती है, लड़कियों की बीमारी नहीं है। और बीमारियाँ जो खून की है वो लड़के लड़की दोनों में होती है, ये सिर्फ मर्दों की बीमारी है, लड़कियों की बीमारी है। आज चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है और हमने अपने इस ओकेजन को मनाने के लिए हीमोफीलिया सोसाइटी और हीमोफीलिया पेशेंट्स जो हैं उनको हमने यहाँ इकट्ठा किया है ताकि वो एक उनके लिए आउटिंग का जरिया भी बन जाए, क्योंकि हीमोफीलिया पेशेंट ज़्यादातर उनका बड़ा जो उनकी लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जैसे शीशे के घर में रह रहे हों, कि कोई चोट ना लग जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो ज़्यादातर वो आइसोलेटेड रहते हैं। उस मौके पर बच्चों में तहफ भी तकसीम किए गए, बच्चों के साथ वालदेन भी मौजूद थे जो बच्चों को खुश देखकर खुद भी खुश नजर आए। तकरीब के मौजूद मेहमानों में डॉक्टर सरफराज जाफरी, सोसाइटी के अहदेदारान मोहम्मद शाहिद दादू, राना असगर अली, अनीसुर रहमान व दीगर मौजूद थे। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज कराची।